नमस्कार साथियों, आज की प्रश्नोत्तरा मुकंदपुर में एक गरीब आदमी को रोड पर पीटने के कारण है। जैसे कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, उस वीडियो में क्षेत्र के जो निगम पार्षद है गुलाब सिंह राठौर, उनके साथ के लोग, जिस वीडियो में गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं पूरे प्रूफ के साथ में आया हूँ, वो बीजेपी के नेता है और वो गुलाब सिंह राठौर से हमेशा मिलते रहते हैं, उनके साथी है और उन लोगों ने जाके एक गरीब आदमी को सरेआम रोड पे पीटा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने उसे क्यों पीटा? अगर आपको लग रहा है वो सरकारी काम गलत हो रहा था तो आप क्षेत्र में दो बार पहले पार्षद रह चुके हो, अभी भी क्षेत्र के अंदर आप पार्षद हो, आपका सिविल लाइन जोन में चेयरमैन है, आपको चेयरमैन को ले जाके, डीसी साहब को ले जाके, डिपार्टमेंट के लोगों को ले जाके, दिल्ली में सांसद भी आपके हैं, आपको उन्हें ले जाके वहां विजिट करानी चाहिए थी। जो भी काम गलत हो रहा था डिपार्टमेंट द्वारा उस काम को ठीक कराना चाहिए था, जाके किसी गरीब आदमी को हाथ उठाना ये बहुत गलत बात है। क्या सबूत है आपके पास? मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे पूछी जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये शख्स जिन्हें गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, अभी मैं गुलाब सिंह राठौर जी के फोटो भी दिखाऊंगा, फेसबुक भी दिखाऊंगा, साथ में वाला भी दिखाऊंगा, ये वो शख्स है जो मनोज तिवारी जी का गुलाब सिंह राठौर जी के साथ दिख रहे हैं, और ये वो दूसरे शख्स है जो बड़ी गाली दे के बदतमीजी से पांडे जी बोल रहे थे, ये गुलाब सिंह राठौर जी के गले में माला डाल रहे हैं, ये अवैध पानी का काम व्यापार करते हैं और गुलाब सिंह राठौर जी को बड़े खास माने जाते हैं, ये बीजेपी की इन्होंने टोपी लगा रखी है, ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रखी है, और ये वो शख्स है जिन्हें मनोज तिवारी जी कह रहे थे जानता नहीं हूँ। मनोज तिवारी जी के वार्ड के अंदर इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रघुवीर प्रसाद इनका नाम है, इस बीजेपी के बोर्ड के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है, तो ये साबित करता है कि बीजेपी के पक्के और मजबूत वाले कार्यकर्ता है, इन्हें अखंड प्रमुख की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन गुलाब सिंह राठौर से कहना है कि वो व्यक्ति ठेकेदार का आदमी है और वो लोगों से पैसा मांगता था, चबूतरा तोड़ देंगे, इससे पैसा दे दिया तो चबूतरा तोड़ दिया, उसके लोग परेशान थे, उससे परेशान हो गए। अगर पहला नंबर तो उन्होंने पैसा मांगा, तो पैसा मांगने के बाद गुलाब सिंह राठौर जी के पास क्या उसके खिलाफ कोई प्रूफ है? आज वो शख्स जिसे वो चाटा मारा गया, उस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है वो लापता है, अब क्या पता उसके साथ में क्या हुआ, उसके हाथ में दुर्घटना कर दी गई या उसे गायब कर दिया गया या कोई हादसा हो गया, आज उस शख्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो शख्स नहीं मिल रहा, तो वो इतना डरा हुआ है, इतना परेशान हुआ पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा गुलाब सिंह राठौर जी से, आपने ऐसी हरकतें पहले भी बहुत बार करी है, आपने मुकंदपुर में भी ऐसी हरकतें करी है, मुकंदपुर में दो और तीन ऐसी आपने हरकतें करी है, आपने क्षेत्र की जनता ने आपको चुन के वोट देके निगम पार्षद बनाया, आपको गुंडा नहीं बनाया, आप साथ में गुंडागर्दी मत कीजिए, आप तीन बार के पार्षद हो, चुने हुए पार्षद हो, आपको तजुर्बा है, अगर कोई भी काम कराना है आप वार्ड कमेटी में उठाइए, हाउस के अंदर उठाइए, जब मैं पार्षद था तो हाउस के अंदर बहुत सारे मुद्दे जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के मुद्दे उठाया करते थे, ये बीजेपी का काम था, आप बीजेपी के निगम पार्षद हो, आप विपक्ष हो, आपका काम था इस चीज को उठाया, काम भी रोक दिया गया है वहां पर, अब जो पब्लिक का काम हो रहा था वो रुक गया, तो नुकसान किसका? देखिए उसके अंदर राठौर जी का नुकसान ये हुआ, जो पहले जो कूड़ा था वो नाले में गिर दिया जाता था, अब राठौर जी को कूड़ा रोड पे गिरेगा तो उसको सफाई करानी पड़ेगी, अब इन्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इनके पास कर्मचारी जितने भी है वो कहीं ना कहीं इन्होंने लापता कर रखे, अब इन्हें वो काम करना पड़ेगा, ये काम से डर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज देना चाहता हूँ, आज लगभग दो साल राठौर जी को बने हुए पार्षद हो गए, दो साल के अंदर मुकंदपुर के अंदर एक ट्यूबलाइट भी लगाई हो राठौर जी ने? जब आप कोई काम करा नहीं सकते, जब उस काम को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, तो आपने उस काम को रोका क्यों? आप डिपार्टमेंट के लोगों को लेके, विधायक को लेके आते, आपके सांसद है वो लेके आते, आपके डिपार्टमेंट के और लोग आते, उनसे कार्रवाई कराते अगर आपको गलत काम हो रहा था। तो हमने बात करी है, संजीव झा जी ने ये थोड़ी बोला था आप जाकर उस गरीब को चाटा मार दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वो 60 फुट का रोड 30 फुट का हो रहा है, अगर एनक्रोचमेंट हो रही है, तो आपके चेयरमैन है, आप एमसीडी के अंदर बैठे हो, आपके डीसी है, एलजी साहब आपके है, सांसद आपके है, आपको एनक्रोचमेंट हट लीजिए थी, अगर वो एनक्रोचमेंट हट जाती तो वो रोड चौड़ा हो जाता, वो काम आप करते तो जनता के दिल में आपकी जगह होती, पर आपने उस गरीब आदमी को मार के जनता के दिल से अपनी जगह गायब करी। लेकिन ये काम बाढ़ मैनेजमेंट विभाग कर रहा है, दिल्ली सरकार के अंदर में, तो ये काम खाली करवाने का जो पटरी की एनक्रोचमेंट है, जो 60 फुट का टेंडर हुआ है, तो खाली करवाने का काम भी दिल्ली सरकार का ही था। मौर्या जी, बुराड़ी के अंदर एमसीडी में कोई भी कार्य एमसीडी नहीं कर सकती, बुराड़ी के अंदर अनऑथराइज एरिया है, कोई भी नहीं कर सकती, पर आपने देखा एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जब किसी गरीब का मकान बनता है तो एमसीडी जैसी भी लगाती है, जब कोई
पार्किंग का काम होता है, रोड की एंक्रोचमेंट हटानी होती है, तो जेसीबी आती है, एमसीडी की आती है। तो एंक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी का है और डीडीए का है। अगर पार्षद जी चाहते तो एमसीडी के डीसी को वहां लाते, अधिकारियों को लाते, वार्ड कमेटी की पूरी टीम लेके जाते और जितनी एंक्रोचमेंट वहां से हटाते। मैंने उनकी वीडियो को सुना, उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा वो एंक्रोचमेंट हटाने के लिए एग्री हो गए। अगर वो एग्री हो गए, आप एंक्रोचमेंट हटाइए ना, रोड पूरा बड़ा करके बनाएंगे, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो रोड बड़ा बनाने को तैयार है, हम जनता को फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। जनता को रोड अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा मिलेगा तो वहां पे लोग राम मेला में भी जाते हैं, लोगों को आने जाने की दिक्कत होती है, लोग नरक का जीवन जी रहे थे। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अच्छा काम कर रही है, विधायक चंदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टांग बढ़ाने का काम गुलाब सिंह राठौर जी। आप लोग मौके भी क्यों जाते हैं? आप भी पूर्व पार्षद रहे, वहां के विधायक भी आते हैं, मौके भी जाते, जो समस्या है जो किसानों की या गाँव वालों की, देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग मौके पे नहीं जाते, तो बहुत सारे कामों में दिक्कतें आती है। अभी आपने देखा बारिश हो रही है, बारिश आने के कारण कुछ काम नहीं हो पा रहे, पर मैं यही कहूंगा कि आप क्षेत्र के पार्षद रहे हो, मैं तो नया था भाई, मैं राजनीति में नया आया था, नया आने के बाद भी मैंने क्षेत्र के अंदर इतने काम किए, इतने विकास किए, आप तो पुराने होने के बाद भी 2 साल के अंदर मुकंदपुर के अंदर काम रुकवाने के अलावा आपने कोई काम करवाया नहीं। जनता अगर मुकंदपुर की कहेगी, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, अगर मुकंदपुर के अंदर 2 साल के अंदर आप एक भी काम बता दो, राजनीति करना छोड़ दूंगा। ठीक है।